दोस्तों, अगर आप मथुरा वृंदावन की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मथुरा वृंदावन में वो कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं मथुरा वृंदावन में, जहाँ आपको जाना चाहिए, वहाँ आपको जाकर घूमना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कई चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि मथुरा वृंदावन में कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं घूमने के लिए, और क्या सही समय रहेगा, वो सही समय कौन सा है जब आप मथुरा वृंदावन में जाकर घूम सकें। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इस वीडियो में बने रहिए। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं मथुरा वृंदावन में, जहाँ आपको घूमना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मथुरा की। मथुरा में जो जगह है सबसे पहले हमारी लिस्ट में नंबर वन पर, वो है कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल। जी हाँ, जैसा कि नाम है, कृष्ण जन्मभूमि यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। जो कंस थे, उस मथुरा का जो राजा था, भगवान श्री कृष्ण के मामा थे वो, तो कंस ने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाला हुआ था और उसी कारागार में उनका जन्म हुआ था। तो जो जन्मभूमि मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि जो टेम्पल है, आपको वहाँ पर वो जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वो जेल की जो कोठरी है, वो कोठरी आज भी वैसी है। हालांकि उस जन्मभूमि का जो पूरा प्रांगण है, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब नई नई मंदिर बनाए गए हैं, काफ़ी कुछ डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, काफ़ी खूबसूरत जगह है वो। मैं तो वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ और मुझे काफ़ी पसंद भी है। लेकिन जो वो जेल की कोठरी है ना, कोठरी में श्री कृष्ण के माता पिता थे, उस कोठरी को छेड़छाड़ नहीं किया गया है और वो कोठरी आपको आज भी वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। कृष्ण जन्मभूमि के बाद दूसरे नंबर पर है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में काफ़ी एक प्रमुख जगह है घूमने के लिए, जहाँ पर आप घूम सकते हैं, जहाँ पर आप जाके भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बनकर तैयार हुई थी सन 1814 ईस्वी में। इस मंदिर को जाना जाता है सिर्फ मथुरा में ही नहीं, पूरे दुनिया में ये मंदिर फेमस है। और ये मंदिर फेमस है अपने जो डिज़ाइन है मंदिर का, जो बनाने की जो शैली है, वो बहुत ही यूनिक है और काफ़ी खूबसूरत है। इस मंदिर को इसके आर्किटेक्चर के लिए और पेंटिंग्स के लिए, इन दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर को पूरे दुनिया में इस मंदिर को जाना जाता है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आप जो सीलिंग है, मंदिर का जो सीलिंग है, उस पर आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। यहाँ पर आप जब भी मथुरा जाना, तो द्वारकाधीश मंदिर आप जरूर जाइएगा। ये बहुत खूबसूरत जगह है, काफ़ी शांति वाली जगह है। यहाँ पर हर दिन, प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त जुड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ दर्शन करते हैं। अंदर में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश खुद विराजमान है। मथुरा में तीसरी जगह है घूमने के लिए कंस का किला। जी हाँ, कंस का किला आज भी मथुरा में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर कंस, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, वो मथुरा के ऊपर वहाँ से राज किया करते थे। और यमुना नदी के बिल्कुल किनारे तट पर कंस का किला है। मथुरा में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो किला आज भी देखने को मिलता है। हालांकि किले के अंदर, फोर्ट के अंदर में जो इमारतें हैं, वो 80% वो ख़राब हो चुकी हैं। हाँ, कुछ पार्ट हैं, फोर्ट का कुछ पार्ट है जो अभी भी काफ़ी सही स्थिति में है, वहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। फोर्ट की जो, किले की जो बाहरी दीवार है, जो बाहर की दीवार है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो आप जब भी मथुरा जाएं, आप समय निकाल कर कंस का किला जरूर घूमने जाएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मथुरा में जब आप कंस का किला घूमने जाएंगे, तो कंस का किले जाते समय आप अकेले ना रहें, थोड़े झुंड में रहें, दो चार लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। क्यों, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे बंदरों का यार झुंड ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे बंदर रहते हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। हमारे लिस्ट में अगले नंबर पर है भूतेश्वर नाथ मंदिर। भूतेश्वर नाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है, और बहुत ही वहाँ पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। आप मथुरा जाएँ तो भूतेश्वर नाथ मंदिर आप जरूर समय निकाल कर जाएँ, क्योंकि ये जो मंदिर है, ये शक्तिपीठ में आता है। कहा जाता है कि माता सती के हाथ की जो अंगूठी थी, वो इस जगह पर गिरी थी, और ये काफ़ी एक अपने आप में महत्वपूर्ण जगह है। इसके बाद में दोस्त, वहाँ से निकलने के बाद, भूतेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद,
आप मथुरा में पोत्र कुंड है, मथुरा में चार कुंड है जिसमें से एक ये है पोत्रा कुंड। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो भी उस समय जब जन्म लिया था उन्होंने, तो जो उनके वस्त्र धुले थे वो उसी कुंड में धुले थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो कुंड है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मभूमि मंदिर है ना, जन्मभूमि जो टेम्पल है, उस टेम्पल के आसपास में ही है। तो आप जब वहाँ जाइएगा तो उस चीज़ को वहाँ पे आसपास के जो लोकल होंगे वो बता देंगे, उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में, तो आप उन लोकल्स से पूछ लीजिएगा, वो आपको वो कुंड बता देंगे, पोत्र कुंड। तो वहाँ पर आप जाकर इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इन सब के अलावा मथुरा में इस्कॉन टेम्पल है, आप इस्कॉन टेम्पल भी जाकर घूम सकते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे वृंदावन की तरफ। मथुरा हमने कवर कर लिया, अब हम चलते हैं वृंदावन की तरफ और देखते हैं वृंदावन में वो कौन कौन से फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वृंदावन के अंदर, जिन्हें आपको घूमना ज़रूरी है। आप अगर जा रहे हैं समय निकालकर मथुरा वृंदावन, तो ये जो जगह हैं कहीं छूट ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, पूरी तरह से प्लानिंग करके आप चलिएगा ताकि ये जो जगह हैं वो आप कवर कर सकें। मेरे ख्याल से आपको एक दिन के अंदर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मंदिर की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में, मथुरा के अंदर भी और वृंदावन के अंदर भी मॉर्निंग की टाइमिंग है और फिर इवनिंग की टाइमिंग है। दोपहर में मंदिर बंद रहते हैं, जैसे निधिवन है वो बंद रहता है, मतलब कई सारे मंदिर हैं जो दोपहर में बंद हो जाते हैं। तो दो दिन का टाइम निकाल कर चलेंगे तो आप आसानी से आराम से आप मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं वृंदावन में कौन कौन से वो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए। दोस्तों वृंदावन के फेमस टूरिस्ट प्लेस में सबसे पहले मैं नाम लूँगा बिरला मंदिर का। बिरला मंदिर इसलिए क्योंकि जब आप जाएंगे मथुरा से वृंदावन की तरफ, तो ये मथुरा वृंदावन रोड पर ही पड़ता है और मथुरा जंक्शन से जो इसकी डिस्टेंस है वो 6.5 किलोमीटर के आसपास है। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ये, वहाँ पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। और बहुत ही शांति वाली जगह है, बहुत ही यहाँ पर आप जब जाएंगे तो काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये, और अपने आप में काफ़ी इसका नाम है, काफ़ी फेमस है ये बिरला मंदिर। तो आप जब भी जाएँ वृंदावन, तो ध्यान रखें कि आप चाहें तो बिरला मंदिर भी रास्ते में घूम सकते हैं। उसके बाद वृंदावन में दूसरे नंबर पर है जी निधिवन। निधिवन बहुत ही फेमस जगह है। वृंदावन अगर आप गए और निधिवन नहीं घूमा तो भाई कुछ भी नहीं घूमा। निधिवन जो है जगह, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट टूर है निधिवन का, जो लिंक है वो नीचे मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस ब्लॉग को देख सकते हो निधिवन का। और जो जन्मभूमि मंदिर मैंने आपको बताया, कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल, उसका भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, ब्लॉग बनाया हुआ है, उसका भी जो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं समय। तो निधिवन वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीलाएँ करते थे। और ऐसा कहते हैं कि आज के समय में भी, आज के इस टाइम में भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर रात में आते हैं। तो काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस है, काफ़ी मान्यता है उस जगह की। वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर की कहानी ये है, जो मान्यता है वो ये है कि उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए पान की बीड़ा हो गई और राधा रानी का श्रृंगार का सामान हो गया, और ये सब रख कर जाते हैं पंडित जी जब शाम में मंदिर को बंद करते हैं। तो मंदिर को बंद करने से पहले राधा रानी का श्रृंगार का सामान, पान का बीड़ा, लोटे में जल, लड्डू, दातून और पूरी तरह से बेड को वहाँ पे सब सजा कर जाते हैं। और उसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है निधिवन में। उसके बाद मंदिर में कोई नहीं रहता, मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि शाम होते होते आपको निधिवन में बहुत सारे बंदर दिखेंगे। कहते हैं कि शाम होते होते वो सारे बंदर भी निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी रात के समय निधिवन में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। वहाँ पर कोई नहीं रहता, सभी चले जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर उस टाइम रात में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं, राधा रानी आती हैं। सुबह, अगली सुबह मैं मंदिर की आपको बता रहा था, तो अगली सुबह जब पंडित जी आते हैं और मंदिर का जब ताला खोलते हैं, तो जो दातून है वो यूज़ किया हुआ रहता है, चबाया रहता है, पान का बीड़ा आधा खाया हुआ रहता है, लड्डू भी टूटे हुए रहते हैं, खाया हुआ रहता है, यानी कि जो श्रृंगार का सामान है राधा रानी का वो यूज़ किया हुआ रहता है, जो बेड है वो अस्त व्यस्त है, इस तरह की कहानी है उस मंदिर की। तो इस नज़रिए से काफ़ी एक महत्वपूर्ण जगह है निधिवन घूमने का। तो आप वृंदावन जाएँ तो निधिवन ज़रूर घूमें। दोस्तों उसके बाद निधिवन में बारी आती है बांके बिहारी मंदिर की। इस मंदिर का तो मैं खुद भाई दीवाना, तो मैं जब भी मथुरा वृंदावन जाता हूँ तो बांके बिहारी मंदिर
मैं जाता ही जाता हूँ, भले मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ बांके बिहारी मंदिर मैं ज़रूर जाता हूँ। मेरा काफ़ी एक मतलब कह सकते हो कि मेरा फेवरेट मंदिर है वो, और मुझे उस मंदिर से प्यार है, मुझे उस मंदिर में जो विराजमान है भगवान श्री कृष्ण उनसे प्यार है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर जाना। आप भी ज़रूर जाइएगा और दर्शन कीजिएगा बांके बिहारी मंदिर में। दोस्तों उसके बाद वृंदावन में बारी आती है प्रेम मंदिर की, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। प्रेम मंदिर आप जब जाओगे तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसके लिए इवनिंग का टाइम रखना, क्योंकि शाम के टाइम में इसकी जो इसमें इसके अंदर इस मंदिर के अंदर जो लाइट की व्यवस्था की गई है ना बहुत ही खूबसूरत है, और रात में ये मंदिर देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की कई झांकी देखने को मिलेगी, जैसे गोवर्धन पर्वत का झांकी हो गया और कई तरह की झांकी है जो आपको देखने को मिलेगा इस मंदिर में। दोस्तों उसके बाद है दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी जो हैं बलराम जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं, तो उनका मंदिर है। और इस मंदिर को कहा जाता है कि ये मंदिर जो है 5000 साल पुराना है। ये मथुरा में है, तो आप जब जाएं मथुरा तो दाऊ जी का मंदिर भी आप ज़रूर जाएं, वहाँ पर जाकर दाऊ जी का दर्शन करें। तो दोस्तों ये थे वो फेमस प्लेस, वो महत्वपूर्ण जगह मथुरा वृंदावन के अंदर में, जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर घूमने जाना चाहिए। अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो ये मथुरा वृंदावन के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आते हैं, टॉप फेमस टूरिस्ट प्लेस में आते हैं मथुरा वृंदावन के। तो आप जब भी मथुरा वृंदावन जाएं तो इन जगहों पर अवश्य घूमने जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आप मथुरा वृंदावन कब जाने वाले हैं ये हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वो जो नोटिफिकेशन का जो घंटे वाला आइकन है उसको भाई प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो में जैसे ही डालूं आप लोगों के पास वो वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो जी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।